हाय गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून। एंड आई नो के हम में से कोई भी बहुत अच्छे मूड में नहीं है फिलहाल, लेकिन यार कुछ बातें हैं जो रेज होना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि आई वॉज ड्रॉन इन टू इमोशनल उस टाइम और मुझसे वो इग्नोर हो गया। आप में से बहुत लोग लिख रहे थे कि जी वो नो बॉल थी। व्हेन आई सॉ द रिप्लाई, इट वॉज लिटरली गोइंग अबव हेड हाइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर के उसको देखो, रिव्यू करो और वापस, बिकॉज आई नो मैच एक बार खत्म हो गया, अंपायर ने गलती कर दी, और अंपायर की गलती इतनी होती है कि मैच हैम्पर हो जाता है, पूरा नेशन हैम्पर हो जाता है, सिर्फ एक इंसान की वजह से। आप देखो, नेपाल अभी एक अप होता, बांग्लादेश के मैच के लिए प्रिपेयर हो रहा होता, बट क्या हुआ, एक अंपायर की गलती की वजह से कुछ नहीं हुआ। एंड देन गुलशन, यार आप वहां पर अंपायर को उस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए कह सकते थे। नहीं, मैं DRS की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल कह रहा हूं कि जब ऐसी हेड हाइट होती है, आप सिंपल अंपायर को अपील करते हो कि वाइट बॉल थी, तो अंपायर कहता है लेट मी चेक, अंपायर क्रॉस चेक करता है, बट आपने भी कुछ नहीं बोला। आपके सामने से बॉल जा रही है, आपने कुछ नहीं बोला, यू डिडंट से एनीथिंग, बस सर पकड़ के बैठ गए। यार फाइट करना ये नहीं होता, फाइट करना ही होता है यू हैव टू फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ। एक गुलशन की गलती और एक अंपायर की बड़ी गलती, दैट्स इट। लेकिन यार आई एम हियर टू कंप्लेन अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। सबसे पहले आई डोंट नो वाई नेपाल के गेम को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया गया, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया गया इस गेम को। आपको दो तीन एग्जाम्पल दे सकता हूं। सबसे पहला, आप देखो वाइड्स एंड नोज का कुछ वो नहीं, मतलब रिप्लेस का पता नहीं चल रहा। अगर आप लोग कल लाइव में मेरे साथ थे तो आई रिमेम्बर कि जिस टाइम पर एक मुझे एग्जैक्टली मोमेंट याद नहीं है गेम का, बट मुझे ऐसा लगा कि वो नो बॉल है। आई वॉज लाइक कि मैं वेट रिप्ले चेक करते हैं, उसका रिप्ले दिखाया ही नहीं। नेक्स्ट बॉल बाउंड्री चली गई, वो रिप्ले दिखाया ही नहीं। सो अगर आप इतना इजी लोगे नेपाल के गेम्स को, तो फिर यार देयर इज नो पॉइंट ना। आप 20 टीम को लेकर आते हो, क्या सिर्फ 8 टीम पर ध्यान देना है? मतलब आप 8 टीम से देख लो, आयरलैंड यूएसए का मैच बारिश में धुल गया, बट डिड यू सी कि कितना लंबा स्ट्रेच किया भाई? मैच 8 बजे शुरू होता है इंडियन टाइमिंग से, 11:30 तक जाकर के तब जाकर के मैच अबैंडन लिख रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार इंस्पेक्शन हो रही है, लेकिन मैच अबैंडन नहीं हो रहा है। वहां पर पाकिस्तान के होप्स अलाइव थी, तो बार बार आपने देखा भाई, एक टेस्ट नेशन है, आप उसको प्रायोरिटी दोगे, आपने प्रायोरिटी दी टेस्ट नेशन को, आपने पाकिस्तान के पॉसिबल सिचुएशन को प्रायोरिटी दी कि जी अगर थोड़ा सा ही मैच हो जाता है, 5-5 ओवर का ही सही मैच हो जाता है, और अगर यूएसए हार जाता तो पाकिस्तान के चांसेस बने रहेंगे, तो आपने एक टेस्ट नेशन को वो विंडो देकर के रखा कि नहीं यार ये प्रायोरिटी वाला विंडो है, इसको रखते हैं। इस वजह से आयरलैंड वाला मैच कितना देर स्ट्रेच हुआ, 3.5 घंटे कौन डिसीजन आने में लगता है भाई? आधे घंटे अगर बारिश हो रही होती है, वेट आउटफील्ड होती है, आप खत्म कर देते हो, कहते जी नहीं हो पाएगा आज मैच। नेपाल वाला मैच देख लो, नेपाल वर्सेस श्रीलंका, वही सेम ग्राउंड था, वही सेम सिचुएशन थी, और उतनी वर्स भी नहीं हुई थी उस टाइम पर, उतनी बारिश और उतनी वर्स नहीं हुई सिचुएशन। लेकिन आपने थोड़ी देर देखा, आधे घंटे देखा, आपने कॉल्ड ऑफ कर दिया, अरे यार नहीं मैच तो नहीं हो रहा, कॉल ऑफ कर देते। आपने ऐसा किया कि जी इंस्पेक्शन इन हाफ एन आवर, इंस्पेक्शन इन 45 मिनट्स, इंस्पेक्शन इन नेक्स्ट 1 आवर, आपने किया? नहीं किया आपने। आपने वो बड़े बड़े ब्लोअर ला करके सुखाने की कोशिश की? नहीं किया आपने। लेकिन आयरलैंड वर्सेज यूएसए मैच में खूब किया आपने, बहुत किया आपने कि भैया बड़े से ब्लोअर को लाकर के सुखाया जा रहा है, और आपने एक घंटे आठ से आपने 8:45 किया, 8:45 से आपने 9:30 किया, फिर 10 o'clock किया, फिर 10:50 किया, 10:15 किया, फिर 10:30, फिर 11, हर आधे आधे घंटे पर इंस्पेक्शन हो रही है, बार बार जाकर के चेक हो रहा है। वो तो दोबारा बारिश आ गई, वरना ये मैच करवा ही देते, 5 ओवर का मैच करवा ही देते ये, और कोशिश ये करते कि जी एक टेस्ट नेशन जो बाहर निकल रहा है उसको रोक लेते भाई। आफ्टरऑल टेस्ट नेशन की तो बेइज्जती होगी, आफ्टरऑल ये भी तो होगा कि जी आईसीसी के पास जो मेन टेस्ट नेशन है उससे अच्छा तो एसोसिएट खेल रहे हैं। आप देखो ना, न्यूजीलैंड बाहर चला गया, पाकिस्तान बाहर चला गया, बड़ी बड़ी टीम्स कहां गई? आप एक लाइन से बाहर जाते जा रहे हो, श्रीलंका बाहर चला गया, सो आपके टेस्ट नेशन तो बाहर निकल रहे हैं। यूएसए क्वालिफाई कर गया, नेपाल का अगर कल वाला वो मिस्टेक नहीं होता तो नेपाल बांग्लादेश को डिफीट कर क्वालिफाई कर जाता। आप सोचो नेपाल क्वालिफाई कर रहा था, आपकी इज्जत खत्म हो जाती। सो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यहां से थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है, कुछ बहुत अच्छे नेशंस हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, स्कॉटलैंड वगैरह जितने हैं, स्कॉटलैंड हो गए और ये आपके और जो इंग्लैंड के आसपास जो छोटी छोटी टीम्स है, या नेदरलैंड्स को ले लो, हमने देखा है कि नेदरलैंड स्कॉटलैंड जो है ये इंग्लैंड से T20 सीरीज कर लेते हैं, ठीक है, हो जाती है। लेकिन नेपाल की इंडिया से या पाकिस्तान से या श्रीलंका से या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान सीरीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती?
आई मीन यार, जब वो हेल्प कर सकते हैं एंड दैट इज द रीजन कि व्हेन स्कॉटलैंड एंड नेदरलैंड कम आउट टू प्ले दे लुक प्रीटी गुड। आज देखो ना स्कॉटलैंड सिचुएशन में है कि अगर अगर ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा गेम कर देता है ना, कि बहुत मुश्किल है, बट स्टिल कुछ कल जैसे गेम जैसा हो जाता है तो यू नेवर नो यार। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि एशियन कंट्री में एक बहुत अच्छी कंट्री वेट कर रही है, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कल देखो फ्लड लाइट में कैसे फील्डर्स को इश्यू हो रहा था, बिकॉज इनको फ्लड लाइट में खेलने की आदत नहीं है। यार आपके पास इतना सब कुछ है यार, यू कैन बी अ गुड नेबर, यू कैन सिंपली हेल्प देम, यू कैन सिंपली ऑर्गेनाइज अ मैच यार। मतलब उनके पास मैच नहीं है खेलने को, सिंपली ऑर्गेनाइज मैच। आप जितना वो अपने पास होकर के कर रहे हैं ना, वो बहुत है। ऑल इज रिक्वायर्ड कि आप स्टेप अप करो। आईसीसी मिस्टेक्स यार, आप थोड़ा सा ना अपनी वैल्यू को समझो कि ये नेपाल जैसी टीम्स जो हैं, ये आकर के साउथ अफ्रीका की हालत खराब कर सकती है। इनके पास बॉलर्स इतने अच्छे हैं, आप इनको थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटीज तो दो। आप देखो ना यार, वो लखनऊ सुपर जायंट्स वो पोस्ट डाल रहे हैं नेपाल के लिए कि फैन बॉन्ड बिटवीन फैन एंड द कंट्री इज बियॉन्ड एनीथिंग। भाई इतना ही आपको लग रहा है तो एक आध को अपनी टीम में ले लो, एक आध को लखनऊ सुपर जायंट्स में ले लो, आईपीएल में कुछ दो चार खिलाड़ियों को खिलाओ यार, एक्सपोजर तो दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। कल हमने वो मैच देखा, आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट दैट मैच, आई वॉन्ट टू स्टे इन दैट मैच फॉर नेक्स्ट 3-4 days, आई वॉन्ट टू स्टे इन ईच एंड एवरी बॉल फॉर नेक्स्ट 3-4 days, क्योंकि वो दिख रहा था भाई, यहां से दिख रहा था कि दीज आर गुड बंच ऑफ पीपल, दे आर बेटर देन अ लॉट ऑफ टेस्ट नेशन जो अभी खेल रहे हैं। यू जस्ट नीड टू पुट इन सम एफर्ट, यू जस्ट नीड टू पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ यू नो वैल्यू टू इट, कि भाई सामने ये जो टीम है इसके पास स्किल सेट है यार। आप बिजनेस, चलो ठीक है आप सब छोड़ दो, आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचो, आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर आप नेपाल की ग्रोथ कराते हो क्रिकेट में, आप सोचो आपका कितना फायदा होगा। आई एम टॉकिंग टू आईसीसी एंड बीसीसीआई, आप सोचो आपका कितना फायदा होगा। लेट्स से कि आप एक गेम होस्ट कराते हो, आपने लेट्स से कि आपने टीयू ग्राउंड को बहुत अच्छा करा दिया, कुछ उनकी अपने फंड से, कुछ आपके फंड से, एंड वो एकदम टॉप नॉच ग्राउंड बन जाता है, आप वहां मैच खेलने जाते हो, इमेजिन आपको कितना क्राउड देखने आएगा, कितना क्राउड देखने आएगा। वी हैव सीन इंस्टेंसेस कितना क्राउड होता है, सोचो आपको कितना क्राउड देखने आएगा। सेकंड, आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट कितने ऊपर जाएंगे, एवरीवन वॉचेस सच मैचेस। भाई जब बंदा ऑस्ट्रेलिया से अपनी गाड़ी बेच करके अमेरिका आ सकता है मैच देखने के लिए, दे आर क्रेजी फॉर क्रिकेट। आप बिजनेस आपका बहुत बूम होगा यार, सब छोड़ दो, अपने बारे में तो सोच लो। आई नो कि आपको नुकसान का सौदा लग रहा होगा, बट आफ्टर लुकिंग एट दीज वर्ल्ड कप मैचेस आपको नहीं लगना चाहिए, आपको नहीं लगना चाहिए नुकसान सौदा, क्योंकि आप देखो अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखते हो आपका इसमें फायदा है यार, अपने या टीम के लिए। अगर कल को अगर ये नेशन बढ़ जाएगा, आज कैसे अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, कल को अगर ये नेशन बढ़ जाएगा, इट्स गोना बी अ ह्यूज ह्यूज थिंग फॉर क्रिकेट। आई मीन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा यार, इट्स अ गुड टीम, दे आर योर नेबर्स। आई मीन आप देखो 10 साल पहले जब वर्ल्ड कप खेला तो कहा गया कि भाई नेपाल अगले 10 साल में कुछ जबरदस्त कमाल करेगा, आ गया वो 10 साल, हेल्प नहीं मिल रही है। आज फिर संजय मांजरेकर ने यही बात कही कि अगले 10 साल में नेपाल पर नजर होगी सबकी। यार 10 साल छोड़ो यार, अभी से शुरू करो, आई एम टेलिंग यू अभी से शुरू करो, एट दिस मोमेंट वी नीड टू स्टार्ट दिस। आप छोटी छोटी सीरीज करो यार, इंडिया से नहीं करो ठीक है, इंडिया ये से करा दो, पाकिस्तान से नहीं करो ठीक है, पाकिस्तान की ए टीम से करा दो यार, बांग्लादेश से करा दो यार, अफगानिस्तान से करा दो, ये तो टीम्स है ना खेलने वाली। सो माई रिक्वेस्ट इज टू बीसीसीआई, माई रिक्वेस्ट इज टू आईसीसी कि यू गाइज होल्ड लॉट एंड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आप स्टेक होल्डर्स हो इस चीज के। ये टीम्स ऐसी हैं जिनके पास बहुत कुछ है करने को। कल प्रेशर की वजह से शायद गुलशन ने वो कॉल नहीं लिया, वो वाइड वाला, बिकॉज शायद उसने मान लिया था कि हम हार गए। सो यू नीड टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम, यू नीड टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपोजर टू देम, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर दीज गाइज, बिकॉज कल को यही वो होंगे जो क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएंगे। सो माई जस्ट रिक्वेस्ट टू बीसीसीआई एंड आईसीसी की यार लुक इन टू इट, प्लीज लुक इन टू इट। वर्ल्ड कप के बाद ब्रिंग सम गुड सीरीज अगेंस्ट नेपाल, बीट इंडिया है, बीट पाकिस्तान है, बीट एनी आसपास की टीम, बट प्लीज थिंक अबाउट दिस टीम। दिस टीम हैज गॉट अ लॉट एंड लॉट ऑफ एक्सपोजर इन देमसेल्व्स एंड अ लॉट ऑफ स्किल सेट। आई जस्ट होप कि आप लोग जहां पर भी जिस तरह सोशल मीडिया यूज करते हो, इफ यू वॉन्ट टू यूज माई वीडियो, जस्ट टॉक अबाउट इट, जस्ट send this you know this message to all around the people, all around the world।
just try yaar. I'm not giving up on this thing. Theek hai guys, you guys take care. I'm leaving for office and I'll see you soon. Bye bye.